देखिए जिस तरीके से गैर कानूनी स्टोन क्रशर्स को, हॉट मिक्स प्लांट्स को और जो ब्रिक किल्न्स हैं उनको लगातार एनओसीज इशू किए जाते रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों में, वो बहुत ही एक सीरियस इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बार बार सरकार को कहा है कि गैर कानूनी तरीके से ये जो पोल्यूशन क्रिएटिंग यूनिट्स यहाँ चल रहे हैं उनको बंद किया जाए, लेकिन बंद करने के बजाय पिछले 4 वर्षों में अनगिनत एनओसीज जो है इनके लिए इशू किए गए, लाइसेंसेस इशू किए गए कायदा और कानून का उल्लंघन करते हुए। और आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है कि 16 में 472 एनओसीज जो है स्टोन क्रशर्स के लिए इशू किए गए, हॉट मिक्स प्लांट्स और जितने ये ब्रिक किल्न्स हैं उनके लिए। 2017 में 431 जो है परमिशंस जो है वो इशू की गई, और 2018 में मई महीने तक ही 82 परमिशंस जो है इन स्टोन क्रशर्स के लिए, हार्ट मिक्स प्लांट्स के लिए जो है वो इशू की गई हैं। ये ना केवल एनवायरनमेंटल लॉज का वायलेशन है बल्कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी है। गवर्नर महोदय से हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे 985 लाइसेंसेस जो है पिछले 3 साल में यानी 2015 के बाद जो है वो इशू किए हैं, जो आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है, और इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। ये लाइसेंसेस जो है वो बड़े बड़े लोगों को इशू किए गए हैं जो पैसे वाले हैं, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, और कायदा और कानून की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं इसका फौरी तौर पर संज्ञान जो है वो गवर्नर महोदय को लेना होगा, और सख्त से सख्त कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ये लाइसेंसेस इशू किए हैं, और एक हाई लेवल प्रोब भी इसमें जो है वो किया जाना चाहिए ताकि जितना ये अनियमितताएं हुई हैं पिछले 3-4 वर्षों में उसका जो है कड़े से कड़ा जो है एक्शन कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ की जाए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस तरीके की जो है कार्रवाई करके जो है उनके साथ किसी भी कंसेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़े अहदे पे और सीन क्यों ना हो। सर बहुत सारे लाइसेंस रद्द भी किया गया लेकिन आज भी वो ब्लैक काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहें? देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये जो ईंट के भट्ठे लगाए हुए हैं, हार्ट मिक्स प्लांट्स लगाए हुए हैं और ईंट के भट्ठे जो है लगाए हुए हैं, स्टोन क्रशर्स लगाए हुए हैं, लाइम किलन्स लगाई हुई हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं और बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी दूसरे हैं उनकी कोई भी पूछ मांग जो है वो नहीं हो रही है, और ये लोग गैर कानूनी तरीके से अपने पोजीशन और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके धड़ल्ले से जो है ये पोल्यूशन क्रिएटिंग यूनिट्स को यहाँ चला रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो है हेल्थ और हाइजीन के ऊपर ही गलत असर नहीं पड़ रहा है बल्कि कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और इसका संज्ञान फौरन से पेशतर जो है वो गवर्नर महोदय को लेना चाहिए।